मुद्दा क्या होगा पवन जी के लिए? मुद्दा मीन्स समझा नहीं। जैसे हम आप क्या विकास करना चाहते हैं? कोई तो परेशानी हुई होगी आप जब बार बार आप क्योंकि बिहार से हैं तो बिहार में जाते हैं तो कोई परेशानी देख के ऐसा लगता नहीं अगर मैं सरकार में आऊंगा मेरे पास पावर आएगा तो ये चीजें तो मैं करूंगा। पवन जी क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल देखिए, कोई भी चाहता है कि हम जहां से हैं वहां का विकास हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बहुत ज्यादा हमको जानकारी नहीं है। जैसे सिंगिंग में पूछना है तो आप मेरे से पूछिए, एक्टिंग में पूछना है तो मेरे से पूछिए। विकास तो होगा ही होगा, ये तो तय है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दोस्तों ये हैं भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, इन्हें तो आप सभी बखूबी जानते होंगे। लेकिन आपको बता दें कि इनको बीजेपी ने आसनसोल से वे लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया था। अब इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और वो वीडियो भी ऐसा जो एक भाजपा प्रत्याशी या यूं कहें कि एक नेता की असलियत को सामने लाने के लिए काफी है। दोस्तों वायरल वीडियो की बात करें तो पवन सिंह एक महिला पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं। महिला पत्रकार जब उनसे पूछती है कि अगर आप चुनाव जीते तो क्या विकास हमें देखने को मिलेगा, इस पर पवन सिंह कुछ भी जवाब देने के बजाय कैमरे के सामने इस तरह से हिचकिचाते नजर आते हैं जैसे कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं हो। और दोस्तों खास बात तो ये रही कि उन्होंने साफ साफ महिला पत्रकार से ये कह दिया कि उन्हें एक्टिंग और गाने के बारे में सवाल पूछिए, वो सब जवाब देने को तैयार है, लेकिन उन्हें राजनीति से जुड़े सवालों में इतनी कोई जानकारी नहीं है। भला बताइए, देश में ऐसे ऐसे लोग नेता बने बैठे हैं जिन्हें देश के मुद्दे और देश में विकास कार्यों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। अब दोस्तों इस पर सवाल ये उठता है कि जब देश में इस तरह के नेता मौजूद हों तो क्या उस देश का विकास संभव है? आप सभी को क्या लगता है? अपनी राय हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।